घरोंडा बस्ताड़ा गांव में 2.5 माह के बच्चे की मौत से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य केंद्र के टीकाकरण कैंप में लगा था शिशु को पेंटावेलेंट का इंजेक्शन। इंजेक्शन लगने के कुछ घंटों के बाद हुई शिशु की मौत से गांव में दहशत। टीकाकरण कैंप में 10 शिशुओं को लगे थे इंजेक्शन। डॉक्टरों की टीम जांच में जुटी हुई है। शिशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा करनाल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा मौत के कारणों का खुलासा। मामले की सूचना मिलते ही जिला डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सतबीर कुमार, डॉक्टर नीलम, एसएमओ डॉक्टर कुलबीर सिंह के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम बस्ताड़ा पहुंची और मामले की गहनता से जांच की। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि बच्चे की मौत टीका लगने के कारण हुई है या मौत का कोई और कारण है। कल टीका लग गया उसका। हाँ जी, किस चीज का टीका लगाया था? मान जी हाँ जी, दो टीके लगाए थे। हाँ, दो टीके लाए और रोना ही शुरू कर दिया जी का। हाँ जी, टीका किस टाइम लगाया था जी? कल कहाँ बजे लग गया था? मतलब फोन करे 11 बजे से लग गया था। अच्छा, उसके बाद क्या रहा? रोया ही रोया। अच्छा, सारी रात रोया। अच्छा, सारा दिन रोया जी। पाछा हाँ जी, रोए का फिर 12 बजे से चुची गई, दूध ही पी उन्हें दोनों बैठ कर चुची गई। अच्छा, फिर वो सड़ा दिया, वो सो गया। माँ भी सो गई, जागती है थक गई। इन्हें फिर वो तड़की 6 बजे उठी है उसके दौरे का। ये लगी कहने वारी उठी गई, सर रात रोया, कोई बात नहीं। इन्हें फिर वो चुची देन उठी, 8 बजे चुची देन लगी। 8 बजे जी आज हमारे को मालूम हुआ था कि यहाँ बस्ताड़ा गांव में एक बच्चा जो है, जो लगभग 2.5 महीने का था, उसकी रात को मौत हो गई है। हम इसलिए आए हैं कि कल एक्चुअल में हमारा एक जो है बच्चों को टीका लगाने का कैंप था यहाँ पे। इस बच्चे को भी एक टीका लगा था पेंटा वैक्सीन का। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये आना जरूरी इसलिए है कि हम ये जानना चाहेंगे कि कहीं हमारे वैक्सीन की वजह से तो बच्चे को ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हमने माँ से बात की है, रिश्तेदारों से बात की है। जैसा इन लोगों ने बताया है कि 1:30 बजे तक माँ ने बच्चे को दूध पिलाया रात को, और उसने बच्चे को दूध पिला के सुला दिया। और उसके बाद बच्चे को माँ ने सवेरे 6 बजे के करीब देखा है, और जब देखा है तो बच्चे को जो है ना, उसने देखा कि भी बच्चे में कुछ है नहीं, शायद बच्चा एक्सपायर हो गया। घरोंडा से सुरेंद्र पांचाल की रिपोर्ट, आजाद टीवी न्यूज़।